थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूँ। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। चिराग जी, कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, कितनी बांटने की राजनीति करेंगे कभी जाति के नाम पर। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हम लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। चिराग जी, कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं, पिता की कोई ऐसी इच्छा जो चिराग पासवान अभी तक पूरा नहीं? पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना, बस इसमें थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूँ। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अंतिम दिनों में उन्होंने ही इसको एक अंतिम रूपरेखा दी थी। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को आगे लेते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। 3 साल बाद पिताजी के कार्यालय में आप आज स्थापना दिवस मना रहे हैं 25वां, कैसा लग रहा है? पुरानी यादें हैं यहाँ की। देखिए, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी आवास है, इस पर किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, बट हाँ, बचपन गुजारा है मैंने यहाँ पे, इस नाते ज़रूर मेरी यादें रहीं। और मेरे लिए ये गर्व की बात है, कल जैसा परिवार के सदस्यों ने, हमारी माँ ने भी कहा, गर्व की बात यह है कि जहाँ से मेरे नेता बैठकर उन्होंने कार्य करने का काम किया, आज उसी जगह पर बैठकर मुझे उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो ये मेरे लिए एक तरफ सौभाग्य की बात भी है, भावुक भी करता है, बट शक्ति भी यही देता। 25 का चुनाव है और आपके कार्यकर्ता अब आपको सीएम का चेहरा देख रहे हैं। सीएम का चेहरा 2025 के लिए, मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की भावना का ज़रूर सम्मान करता हूं, बट ये एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग जी, एक आरक्षण को लेकर आप लोग महागठबंधन के साथ है स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे, क्योंकि आपके सांसद भी लगातार बोल रहे हैं। देखिए, कहीं पे अगर कुछ तकलीफें हैं, जो दिक्कत है, गठबंधन साथी होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक वो विषय हम लोग पहुंचाने का हम लोग कार्य करें। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं या किसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, बट हाँ, अगर कोई ऐसे विषय हैं जहाँ जिसकी वजह से जनता को परेशानी है, उसको सरकार तक पहुँचा कर कैसे उसका समाधान ढूंढा जा सके, इस भूमिका में ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी रहूँगा। सदन चल रहा है और अपोजिशन लगातार आरक्षण और जाति आधारित गणना कराने का देश भर में मांग कर रहा है, आप लोग की भी रही है कि देश भर में होनी चाहिए, क्या लगता है कि अब आरक्षण का मुद्दा फिर से अपोजिशन उठा रहा है? क्यों अपोजिशन ने इस मुद्दे को हर स्वरूप में उठाने का प्रयास किया, कभी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, कभी डराने को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इनकी राजनीति इसके आसपास घूमती रही है। तकलीफ तब होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके विषय, आपके मुद्दे बदल जाते हैं। जब ये लोग सरकार में आते, केंद्र सरकार में लंबे समय तक राजद रही, उस वक्त इनके समर्थन वाली सरकार थी, क्यों नहीं बिहार को उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया गया, क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने जातीय जनगणना करा ली। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल जी बार बार घूम घूम कर देश भर में बोलते हैं कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में लंबे समय तक तो आप ही की सरकार थी ना। आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा समय तक कोई केंद्र सरकार का हिस्सा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है, क्यों नहीं इन्होंने करवा लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से ठीक पहले तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों की सरकार रही, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया? तो ये दर्शाता है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है, और विपक्ष में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी भाषा बदल जाती है। मिथिला राज की मांग राबड़ी देवी कर रही है, अलग राज्य होनी चाहिए। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की है, जिसमें बिहारियों को एकजुट कर, और जब तक हम लोग एक हैं ये हम लोग की ताकत है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, कितनी बांटने की राजनीति करेंगे कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। ये लोग सिर्फ बांट बांट कर अभी तक अपनी राजनीतिक लाभ ये लोग उठाते रहे हैं, जनता के हितों की चिंता कभी करने का काम
इन लोगों ने नहीं किया। ये एक और बांटने की राजनीति की सोच है जिसमें पुनः लाभ ये लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे। हेमंत सरन आज वोट ले रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री जो वोट लेंगे, बाकी मंत्रियों का भी सूची नहीं दिया गया। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया, बट हाँ गठबंधन के साथ उनका प्रदर्शन था, कम से कम इतनी उम्मीद तो ज़रूर थी हम लोगों को कि घटक दलों से कम एक 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 किसी ना किसी को साथ में लेते, बट अगर अकेले शपथ ले रहे हैं तो शुभकामना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।